Hey guys, welcome to my channel. आज मैं जा रही हूँ बुगिस और मैं आपको लेके जाऊँगी. आई एम गोइंग टू इंडिया सो आई हैव अ लॉट ऑफ टू प्रिपेयर. तो मैं चलती हूँ. आज मेरा प्लान था टू गेट माई नेल्स डन बिकॉज मैंने लास्ट जेलिश मैनिक्योर दिवाली और करवा चौथ से पहले करवाया था फॉर फेस्टिव सीजन. तो मैंने सोचा क्यों ना हॉलीडे से पहले मैं अपने नेल्स करा लूँ. सो फेवरेट प्लेस टू गेट माई नेल्स डन इज़ बुगिस स्ट्रीट बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा नेल सलून्स एक साथ हैं तो बिना अपॉइंटमेंट के भी आपको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है. देन आई सॉ दिस स्टोर वेयर दे हैड ग्रेट केसेस पर इस शॉप में मेरी चॉइस का केस नहीं था. S22 अल्ट्रा फ़ोन जो मैं यूज़ करती हूँ सैमसंग का उसके लिए. तो आई वेंट अहेड एंड आई जस्ट लुक्ड अराउंड. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को बहुत जल्दी थी क्योंकि मुझे फटाफट अपने काम ख़त्म करने थे. एंड वेन यू गो फॉर नेल्स विदाउट एन अपॉइंटमेंट तो पहले तो स्टोर ढूंढना होता है और उसके बाद आपको टाइम लगता है करने में. फाइनली मुझे एक स्टोर मिला जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम नेल्स कराया था तो थैंकफुली दे वर फ्री. सो दे रिमूव दिस जेलिश नेल पॉलिश विदाउट एनी चार्जेस इफ़ यू गो टू द सेम स्टोर वेयर यू गेट योर नेल्स डन अर्लियर. तो फिर मैंने अपना प्लान चेंज किया. मैं पहले एक्सप्रेस करने वाली थी जेलिश एंड मैनीक्योर एंड पेडिक्योर. फिर मैंने सोचा मैं क्लासिक कर लेती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और अच्छे से मेरे क्यूटिकल्स कट होके क्लीन हो जाएंगे, स्क्रबिंग भी हो जाएगी, डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी. तो डेट्स वाई आई वेंट अहेड एंड चूज द क्लासिक मैनीक्योर एंड पेडिक्योर. सो उन्होंने बहुत अच्छे से पेशेंटली मेरा काम अच्छे से हाथों का और पैरों का कर दिया एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट. जो ये नया टूल आया है ना आजकल सारे सलून्स में यही है. तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग सोक ऑफ जेलिश प्रोसेस दैट दे यूज टू यूज़ अर्लियर नाउ दे आर यूजिंग दिस मशीन टू गेट रिड ऑफ योर अर्लियर ओल्ड नेल पेंट. एंड फिर उन्होंने अच्छे से मेरे पेडिक्योर और मैनीक्योर की सफाई कर दी. क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे. आई थिंक इट्स बीन कपल ऑफ मंथ्स जब मैंने अपना प्रॉपर पेडिक्योर मैनीक्योर कराया था. फिर आया सबसे डिफिकल्ट टाइम नेल कलर चूज़ करने का. दिस इज़ द टाइम व्हेन आई गेट द मोस्ट कंफ्यूज बिकॉज शॉप में ना सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, सारे कलर्स अच्छे लगते हैं. एंड देन यू हैव टू मेकअप योर माइंड आई एम गोइंग टू गेट दिस नेल्स डन फॉर हॉलीडे सीजन. तो मेरे दिमाग में ये था कि मे बी पिंक विल लुक नाइस. तो मैंने हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला पिंक अच्छा लगेगा एंड दिस इज हिज फेवरेट ब्राइट पिंक कलर. लास्ट टाइम ऑल्सो ही वॉन्टेड मी टू डू दिस पर मैंने रेड करा लिया था. तो इस बार मैंने उनकी बात मान के और अपने भी सोचा कि इट्स गुड. सो आई यूज चोज अ रोज गोल्ड ग्लिटर. इट्स नॉट गोल्डन, इट्स रोज गोल्ड ग्लिटर एंड पिंक ब्राइट पिंक नेल पॉलिश ऑन माई हैंड्स. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज़ इट लुकिंग. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ब्राइट है. हाँ पर ये इतना ब्राइट है ना इससे आपकी स्किन थोड़ी सी शेड डार्कर भी लगती है, थोड़ी टैंड लगती है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ ब्राइटर टोन कलर. फिर मैंने पैरों के लिए भी एक नेल आर्ट चूज़ किया. सो आई चूज अ नाइस पर्पल नेल पॉलिश ऑन माई फीट. आई ऑलवेज यूज़ लाइक मैरून्स एंड रेड. सो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नया ट्राई करूँ तो मैंने पर्पल शेड यूज़ किया. ये भी मैंने हस्बैंड से कंसल्ट करके किया पिंक एंड पर्पल गो वेल. तो हाथों में पिंक और पैरों में पर्पल कराया और मैंने एक ब्यूटिफुल फ्लावर आर्ट करवाया. ऑब्वियसली दे चार्ज यू एक्स्ट्रा इफ़ यू डू योर नेल आर्ट. लाइक अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो तो पर नेल के हिसाब से चार्ज होता है. और अगर आप टू टोन कलर्स यूज़ करते हो जैसे मैंने हाथ में दो कलर की नेल पॉलिश लगाई है तो उसका भी एड ऑन होता है. पर दैट इज ओके, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वी आर ऑन इन हॉलीडे मूड. और मैं ट्रैवल भी करने वाली हूँ सो आई एम गोइंग टू टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय नेल आर्ट. और वैसे भी बार बार नेल पॉलिश लगाना मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू गेट माय परमानेंट जेलिश नेल्स जो एक दो महीने रह जाते हैं एंड आई एंजॉय दिस. तो देखो कितना प्यारा हो गया, शी स्टिल नॉट डन. ये जेलिश लैम्प से बहुत जल्दी ये नेल पॉलिश ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है. शी वॉज एक्चुअली रियली गुड एट नेल आर्ट. तो आप बुगिस जाके डिफरेंट सलून्स में ट्राई कर सकते हो. वेयर एवर यू फील दैट इट इज़ इन योर बजट एंड योर डिज़ाइंस आर देयर यू कैन चूज दैम. सम ऑफ द सलून्स हैव अ वेराइटी ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ कलर्स. कुछ लोगों के पास लिमिटेड कलर्स होते हैं. फिर नेल आर्टिस्ट आपको किसका पसंद आता है तो ये बहुत ला ट्रायल एंड एरर मेथड होता है बिकॉज आई हैव ट्राइड डिफरेंट सलून्स एवरी नाउ एंड देन. अभी मैं यहाँ पर फिक्स हूँ बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक एन अपॉइंटमेंट एंड गो. तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब चली जाती हूँ पर आई हैव अ होप कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. सो लेट मी नो हाउ यू डिड इट. द पिक्चर दैट आई शोड हर उसमें ग्रीन कलर का राइन स्टोन था इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर पर वो मुझे खुद लग रहा था मे बी राइन स्टोन थोड़े टाइम के बाद
लग लग के शूज़ में निकल जाएगा. बट शी हरसेल्फ यूज्ड ए ग्रीन कलर का कलर इन सेंटर ऑफ द फ्लावर और वाइट फ्लावर में येलो शेडिंग करी थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था. आई वॉज सो हैप्पी विद माई नेल आर्ट, तो मैंने उसको स्पेशली थैंक यू बोला अलग से. एंड देन आई वॉज डन विद माई नेल्स एंड आई एम लाइक 50% ऑफ माई हॉलीडे प्रिपरेशन इज डन. बिकॉज हम इतने कपड़े खरीदते हैं, बच्चों की शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं फैमिली के लिए, टिकटें बुक करते हैं महंगी महंगी और कितना कुछ प्रेप करते हैं. मतलब मैं तो करती हूँ, आई गो हॉलीडेज लाइक क्रेजी, आई डू एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. इट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. और मैं अपने फैमिली से 3 साल के बाद मिल रही हूँ, तो आई एम रियली रियली हैप्पी. तो मुझे सबके लिए बहुत गिफ्ट्स खरीदने थे, तो मैंने थोड़े से चॉकलेट्स और कुकीज़ खरीदे, जो सिंगापुर के कुकीज़ और चॉकलेट्स होते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स. फिर मैंने वॉच स्टोर से रणवीर अनिका के लिए घड़ियाँ खरीदी, और यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं. मोस्ट ऑफ़ द सामान यहाँ पे जो आता है वो साउथ ईस्ट एशिया से आता है. स्पेशली वॉट आई लाइक टू प्रेफर इज़ कोरियन स्टफ़. मैं कोरिया ट्रैवल करके आई हूँ, आई हैव गॉन टू कोरिया 2 times. तो मुझे कोरियन स्टफ़, उनका फैशन, उनका क्वालिटी, उनका सब कुछ बहुत पसंद है. इवन हेयर एसेसरीज और गर्ल्स का स्टफ. तो मैंने वो हैंडबैग, बड़ा सा बैकपैक खरीदा. फिर मैंने यहाँ पे एक और फ़ोन केस की शॉप देखी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. यहाँ पे मेरे को अपना चॉइस का S22 Ultra फ़ोन का फ़ोन केस मिल गया, जो काफ़ी बड़ा और स्ट्रांग होता है. और उसके बाद मैंने ये वाली स्ट्रिंग अटैच्ड स्ट्रैप कराई. आई वाज कंफ्यूज बिटवीन द पर्ल वन एंड दिस वन. फिर मुझे लगा पर्ल वाली प्यारी बहुत है पर टूट जाएगी, और पर्ल वाली इससे थोड़ी सस्ती थी जो मैंने यूज़ की है. ये मेटल और थ्रेड की है, ये वाली ये उससे महंगी थी. देन मैंने थोड़ा कंपेयर किया एंड आई थॉट कि मेटल वन इज़ बेटर. इवन दो इट इज़ लिटिल हैवी पर इट इज़ स्ट्रॉन्गर. पर पर्ल वाली का अगर धागा टूट गया तो सारे मोती भी टूटेंगे और फ़ोन भी गिरेगा, जो एक्सपेंसिव है लाखों का, राइट. तो मैंने वो मेटल वाली ली जो थोड़ी सी हैवी लगी, लेकिन इट इज़ वेरी स्ट्रांग. एंड ये वाला फ़ोन केस चूज़ किया मैंने, वाइट कलर का विद गोल्डन थिंग. और ये ट्रांसपेरेंट क्लियर सिलिकॉन फ़ोन केस है, तो इसमें मेरा जो पर्पल कलर का फ़ोन है वो अभी भी पर्पल ही दिखेगा. तो एनीबडी कैन चेक आउट कि ये यूनिक कलर था. वैसे भी S22 Ultra का वो स्पेशल कलर था, यूनिक कलर था, तो इस फ़ोन केस में वो उसका रियल कलर भी फ़ोन का दिखेगा, मतलब रियल फ़ोन दिखेगा. तो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट. तो इसको मुझे बनाने में लगे $25. $10 का फ़ोन केस था, $15 की स्ट्रिंग थी, एंड शी पुट इट फॉर फ्री. आई मीन उसमें प्राइस इंक्लूडेड है. देखो ये ब्लैक कलर के जो इन्होंने साइड में लगाए ना, ये 2 स्क्रू लगाए हैं दोनों साइड में स्ट्रिंग अटैच करने के लिए. तो ऊपर से इन्होंने ब्लैक कलर के स्टिकर्स लगाए हैं जो थोड़ी स्पॉन्जी है, जिससे आपके जो स्क्रूज है ना वो फोन को प्रिक ना करें. तो जब भी आप फोन केस निकालोगे, आप लगाओगे वापस, सो मेक श्योर कि वो वहीं पे रहे. एंड हियर इज माय फोन केस रेडी. आई एम सो एक्साइटेड. ये भी मैंने स्पेशली हॉलीडेज के लिए ही बनवा लिया है, बिकॉज आई वॉन्टेड इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, पर मुझे मिल नहीं रही थी चॉइस. आई यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस वेन एवर आई गो आउट, पर चॉइस नहीं मिल रहा था. मैंने ऑनलाइन भी ढूंढा, नहीं मिल रहा था. आज मेरा लक अच्छा था. वो होता है ना, किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, उस टाइप से हुआ. आज मेरा लास्ट शॉपिंग डे था और मुझे आज ये मिल गया, तो मैंने वो ले लिया. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आप डांस फ्लोर पे जब डांस करते हो या इधर उधर पार्टियों में डांस करते हो, तो फ़ोन हाथ में या इधर उधर रखना गुम हो जाना, इससे अच्छा एक ही बार स्ट्रिंग टांग लो बैग में, जितने फ़ोटो वीडियो लेने हैं लो, और ये आपके पास फ़ोन सेफ रहेगा. फिर मुझे प्यास लग गई, बिकॉज और शुगर केन जूस इज़ माय फेवरेट. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुगर केन जूस पी लूँ, गन्ने का रस. यहाँ पे शुगर केन की ऐसी मशीन होती है, यू कैन सी, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल. फिर थाईलैंड कोकोनट भी पीना मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली इन जनरल मैं कोक सोडा और ये सब एयरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ, तो मुझे फ्रेश फ्रूट जूसेस ही पसंद है. और मैंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया. हम लोग पैक्ड जूसेस बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर. तो हम लोग हमेशा फ्रेश जूसेस पीते हैं, वो भी बिना आइस के, नहीं तो बच्चों को सर्दी और जुकाम लग जाता है. और कोविड में तो वैसे भी आइस अवॉइड करनी चाहिए. और वैसे भी अब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो इससे अच्छा है कि अपना पहले से ध्यान रखो, कहीं सर्दी जुकाम ना पड़ जाए. तो विदाउट आइस का मैंने ये जूस पिया, बहुत ही मीठा और टेस्टी और रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग लगा, क्योंकि गर्मी बहुत थी. आज मेरा फ़ोन 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा था, तो मैंने फटाफट
बाद वो जूस पिया, उससे पेट भी भर गया और काफ़ी सुकून भी मिला। फिर ये बड़ा सा बैग मैंने लिया, ये तो छोटा है, वो जो मैंने डाला है वो और भी बड़ा है रेड कलर का। आंटी के पास एक ही बैग बचा था, तो आई गॉट दिस बैग, आई थिंक दिस वॉज $7.50, पर यह बहुत बड़े साइज़ का बैग है। आई गॉट इट बिकॉज मैं ये ट्रैवल में अपने सूटकेस में रख के जाऊँगी और वापस आने के वक्त अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान होएगा तो मैं इसमें सामान डाल सकती हूँ और बाद में एयरपोर्ट पर प्लास्टिक रैप से रैप करवा सकती हूँ। और अगर मैंने इसे ट्रैवल पर यूज़ नहीं किया तो मैं घर में स्टोर रूम में भी इसमें बहुत सारा सामान रख के यूज़ कर सकती हूँ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और आपको इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मज़ेदार व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन, बाय।